दोस्तों मेरे नमस्कार नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसे कि मैं आज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आई है। ये मेरी हैकिंस कंपनी से है जो आपको शो हो रही है। जैसे कि देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी शो हो रही है। इसमें ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इस लेवल पर वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो फ्रेशर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग तक सैलरी होगी वो 9 लाख रुपये पर एनम होगी। आफ्टर कन्फर्मेशन जब क्लियर ट्रेनिंग के बाद आपकी 12 लाख सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, वो भी आज ही हुई हैं। चलिए देखो, दिखाइए क्या दिखाते हैं कि कैसे कहाँ से कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या वैकेंसी हैं किसी लेवल पर। तो उसमें देखिए, पहले ये कंपनी डिटेल्स आपको दे रखी है, ये आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए बताते हैं आपको मेन मेन चीज़ें क्या होती हैं। जैसे इसमें देखिए कौन कौन बंदा एलिजिबल कर सकता है वो तुम दिखाया गया। जैसे बोला फ्रेशर, तो जैसे ये फ्रेशर बंदे हैं, ये हायर लेवल क्वालिफिकेशन वाले फ्रेशर बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिलीवेंट एक्सपीरियंस में भी स्टार्ट आया एक्सपीरियंस वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और एज लिमिटेड फाउंडेशन लगाएंगे। एज लिमिटेड जो फाउंडेशन है वो देखो, एज लिमिटेड फाउंडेशन मेरी 21 से 28 तक के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट की फाउंडेशन है। उसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कट जो हमारी इसकी जो लोकेशन होगी जॉब की वो कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो तो इसमें जो मार्केट वेब ऑफिस का परेड मुंबई मॉनिटरिंग ऑफ द जॉब अप्लाइड बंदा है एनवेल, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आगे देखो बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि जो चीज़ें हमारी हैं वो ये सिलेक्शन प्रोसेस हाउस ऑल कंसिस्ट स्क्रीनिंग एप्लीकेशन लाइट टेस्ट रिटन टेस्ट एट वेरियस सेंटर ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी सेंटर हो सकते हैं उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। और किस किस लेवल की वैकेंसी होगी, ये देखो हमारी चीज़ें हैं, ये जो हैं, ये हमारी जो वैकेंसी इस लेवल पर होंगी। सेल्स मार्केटिंग होंगी, टेक्निकल इंजीनियरिंग होंगी, अकाउंट्स होंगी, कॉमर्शियल होंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, आईटी प्रोग्रामिंग होगी, लीगल होगा, एग्जीक्यूटिव असेट्स होगी। इतने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज अनाउंस्ड की गई हैं। तो चलिए देखो, दिखाते हैं कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं। देखो अगर हमें कोई सेल्स में अप्लाई करना है तो हम इस चीज़ का इतने का यूज करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, क्लिक करके आपको अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें टेक्निकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो सेम उसी तरीके से ये करना है इतना, ये ठीक है। अगेन हमें अगर कुछ आगे करना है तो इस तरीके से टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, देखो नीचे ले चलते हैं दिखाते हैं। जैसे कि मैं आया यहाँ पे अकाउंट्स के लिए नीचे अप्लाई करें, कॉमर्शियल के लिए नीचे अप्लाई करें, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सारी चीज़ें आईटी प्रोग्रामर्स अगर हो आप तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आईटी प्रोग्रामर्स के लिए यहाँ गए, इसे आगे क्लिक करा, यहाँ गए, यहाँ की डिटेल्स भर दी, ठीक है। ये हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, तो जैसे मैं आ गया यहाँ क्लिक करा जून पे, जून के बाद हम सीधा सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ क्लिक कर दो सीधा फंडा एक बार ऐसे करो, आ गया 1 जुलाई, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल्स भर देंगे सारी, आपको फ्रेशर हैं इसमें और इसमें आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो भी है हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं क्या, क्लिक करेंगे। अब यहाँ जाएंगे और सॉरी क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से गए इस तरीके से फिलअप कर देंगे फॉर्म सारा, ठीक है। जैसे यहाँ ये डिटेल्स फिल करेंगे, आईटी ये यहाँ गए, ठीक है, सारी डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फ्रेशर डालेंगे, फिर यहाँ जाएंगे आपकी जो ग्रेजुएट हो चुकी है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको न्यूज़पेपर से कैसे आपको इन्फॉर्म हुआ है, आपको सोशल मीडिया थ्रू इन्फॉर्म हुआ है, जो क्या था हमारा YouTube सोशल मीडिया SOCIALMEDIA, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चला है फ्रेंडली है नहीं है, कोई है नहीं है, यहाँ जाओगे आप अपना रिज्यूम अटैच करोगे, यहाँ जाओगे। अब हम टेक्निकल इंजीनियरिंग लेवल पे अप्लाई कर चुके हैं,
ठीक है, तो हम आगे अपना रिज्यूमे टच कर देंगे, जैसे रिज्यूमे टच करेंगे उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे फाइनल। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम जैसे करेंगे OTP नंबर वैलिड करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको अकॉर्डिंग एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी फिर आपको जीमेल के थ्रू। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।